हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं होम्योपैथिक माइंड टू ब्रिंग्स हाइट्स थिंग्स। तो हाइट्स थिंग्स में केंट की रिपर्टी में केवल जो है सिंगल मेडिसिन है, बेलाडोना मेडिसिन है, और सिंथेसिस रिपर्टी में दो मेडिसिन और ऐड कर दी गई है। तो हम आज देखते हैं हाइट्स थिंग्स के बारे में। हाइट्स मीन्स होता है छुपाना, यानी किसी चीज़ को छुपाना, यानी कोई फैक्ट है या कोई चीज़ है, कोई बात है, उसको छुपाना। तो अगर और थिंग्स मीन्स होती है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को थिंग्स बोलते हैं। तो जब किसी भी चीज को या किसी भी पॉइंट को या कोई भी चीज अपने से संबंधित जो होती है या किसी चीज से संबंधित है, अगर उसको कोई छिपाने की कोशिश कर रहा है, छिपा रहा है, तो इसको हम हाइट्स थिंग्स लेते हैं। तो मरीज आमतौर पर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं कोई बात नहीं रहती है, लेकिन जब से हमको ये प्रॉब्लम हुई है तब से हम जो है छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम, जैसे मान लो अगर उसके हाथ में प्रॉब्लम हुई है तो हाथ जैसे किसी के सामने ना जाए तो उसको थोड़ा से छिपाने की कोशिश करता है, दिखने ना पावे, ये कोशिश करता है कि वो दिखने ना पावे। तो बताता है कि जो है वैसे तो अगर कोई नए आदमी के सामने पड़ जाता है तो हम इसको छिपा लेते हैं, उसको दिखने ना पावा ऐसा करते हैं। लेकिन अगर वही पर्सनालिटी अगर दो तीन बार मिल रहा है हमसे, तो फिर उससे नहीं छिपाते हैं। या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लो कोई पेशेंट को जो है एक्जिमा की हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो हाथ छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा देर बाद फिर छिपाएगा, उसके बाद फिर वो जो है उसको दिखा देगा। क्योंकि ये रहता है कि अगर उसको बताएंगे नहीं डॉक्टर साहब को, तो फिर हमको दवा कैसे मिलेगी। तो हाइट्स थिंग्स में होता है, यानी हाइट्स थिंग पहले तो छिपाएगा किसी चीज़ को, उसके बाद फिर चूंकि ये इतना भोला भाला होता है कि वो छुपा भी नहीं पाता है, थोड़ा देर में वो फिर जो है नेकेट कर देता है उस चीज़ को, उस चीज़ के बारे में या उस पॉइंट को। जैसे अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के बारे में फिर पूरा खुल के बताएगा। तो इस तरीके से अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये हाइट्स थिंग्स लेते हैं। अब हाइट्स थिंग्स जैसे पेशेंट आते हैं, अक्सर वो अपनी चीज़ों को, अपनी इमोशन को छिपाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि बेलाडोना में वो हंस के बात करते हैं, लाफिंग स्पीकिंग व्हेन माइंड ऑपरेशन जो लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो लाफिंग क्यों करता है। अगर लाफिंग ये देखें तो लाफिंग के पीछे यही लॉजिक होता है कि वो हाइड्स करता है, अपनी प्रॉब्लम को हाइड्स करता है, अपनी प्रॉब्लम को छिपाता है, अपनी प्रॉब्लम को बताना नहीं चाहता है। लेकिन फिर थोड़ा देर बाद वो जो भी उसकी प्रॉब्लम रहती है उसको पूरा जो है कायदे से वो बता देता है। तो इसमें ये क्या करता है बेलाडोना पेशेंट कि उसको लगता है कि माहौल बहुत जो है सीरियस ना होने पाए, यानी जिस डॉक्टर के पास हम आए हुए हैं वो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना बता दे, बहुत ज़्यादा जाँच वगैरह और बहुत ज़्यादा मेडिसिन, बहुत ज़्यादा ताम झाम ना बता दे। तो इसके लिए वो जो है लाफिंग कर देता है, हंस देता है, यानी हंस के जो है माहौल वो नॉर्मल करने की कोशिश करता है, मतलब बहुत सीरियस ना होने पर मामला, इसलिए वो हंसता है। तो हंसने के पीछे क्या लॉजिक होता है कि वो जो है अपने इमोशन को हाइड कर जाता है, छिपाता है। तो यहाँ पे देखें कि वो अपने इमोशन को हाइड करता है, इसीलिए जो है वो लाफिंग करता है, और स्माइलिंग भी कभी कभी स्माइलिंग करता है। तो अगर लाफिंग स्माइलिंग, लाफिंग स्पीकिंग व्हेन और ये अगर हाइट्स थिंग्स मिल रहा है, तो यहाँ पे भी सिंगल मेडिसिन बेलाडोना ही निकल के आती है। तो कोई भी केस हो तो उसमें बेलाडोना देने पे जो भी प्रॉब्लम उसकी रहेगी वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। अब इसमें देखें कि ये जो है हाइट्स थिंग्स, ये बेलाडोना की किंग पिन होती है। तो इसके इर्द गिर्द और सारी रूब्रिक्स जो है घूमती रहती है, जैसे लाफिंग स्पीकिंग व्हेन हो गया, नाइव हो गया, फ्रीवोलस होता है, और डिल्यूजन बेल्थ ऑफ होता है। तो ये फ्रीवोलस भी होता है, यानी किसी भी चीज़ को वो सीरियस नहीं लेता है, किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेता है, भोला भाला होता है, नाइव होता है। माइंड टू ब्रिंग्स होती है बेलाडोना में अनरिलायबल इन हिज प्रोमिसेस। अनरिलायबल इन हिज प्रोमिसेस के मतलब ये होता है कि जो है जो प्रोमिस उसने वादी, यानी जो वचन देता है उसको जो है तोड़ देता है, अनरिलायबल होता है, यानी रिलायबल के मतलब विश्वसनीय और अनरिलायबल के मतलब विश्वास ना करने वाला, वो विश्वास नहीं, यानी वो विश्वास करने लायक नहीं होता है, यानी वो जो वादा ले करता है उसको तोड़ देता है। जैसे अगर मान लो कोई डॉक्टर
किसी पेशेंट को शुगर का पेशेंट है, उसको जो है मना कर रहे हैं कि जो है देखिए आपको चावल का परहेज करना है और मीठे का परहेज करना है, वो तो वहाँ पे हाँ हाँ कर लेता है, लेकिन घर जाके फिर वो जो है नहीं मानता है और खा लेता है। फिर अगली बार अगले टाइम पे जब डॉक्टर के पास आता है तो वो कहता है कि जो है पहले तो उसको हंस के जो है इस हाइड करने की कोशिश करेगा, यानी उसको नहीं बताना चाहेगा, लेकिन फिर वो थोड़ा देर बाद फिर वो जो है नेकेड हो जाता है, यानी वो उसको बता देता है और कहता है डॉक्टर साहब आप मना किए थे लेकिन हम जो है खा ही लिए। तो ये इसको यहाँ पे अगर ऐसा कोई करता है कि वादा करता है और उसको निभा नहीं पा रहा है, वो तोड़ देता है, तो ऐसी जगह पे हम जो है अनरिलायबल इन हिज प्रोमिसेस लेते हैं। ये माइंड रूबरिक्स बहुत जगह यूज होती है, जैसे कोई भी आते हैं, एक तो ये परहेज के मामले में हो गया, या कोई जैसे अपने लाइफ में लोग किसी से वादा कर लिए कि हाँ कल हम आपको ये सामान दे देंगे या कल हम आपको ये मैसेज कर देंगे, पता लगा वो कल आता ही नहीं है। अगर मान लो ये चीज़ उनके बार बार हो रहा है फ्लो में, तो किसी से भी वो वादा कर ले रहे हैं कल आपसे हम फला जगह मिलेंगे, उससे मिल नहीं पा रहे हैं, कल हम आपको ये सामान पहुँचा देंगे, उससे वो सामान नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो अगर लाइफ में किसी के अगर इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है तो वहाँ पे भी हम जो है अनरिलायबल इन हिज प्रोमिसेस ये माइंड रूबरिक्स ले सकते हैं। इसमें और भी मेडिसिन है, जैसे बेलाडोना है तो ही है, सल्फर भी है और भी कुछ मेडिसिन है, तो इस तरीके से जो है माइंड रूबरिक्स अनरिलायबल इन हिज प्रोमिसेस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हाइट थिंग्स में बेलाडोना सिंगल मेडिसिन आती है, अगर इस तरीके से वर्जन मिलता है तो वहाँ पर हम जो है वेराडोना मेडिसिन दे करके जो भी प्रॉब्लम रहती है उसकी सॉल्व हो जाती है पेशेंट की। दोस्तों ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और भी जो है लोगों को शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।